नमस्ते, यहाँ पर इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग एंड नया हाइपरओएस एंड एमआईयूआई थीम्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अंत तक देखना, लाइक एंड शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। तो सभी थीम्स का जो है डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाके थीम स्टोर से सभी थीम को डाउनलोड करना होगा। तो वन बाई वन सभी थीम को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमने जो है इस थीम को जो है अप्लाई किया है, ये जो थीम है MIUI 14 HyperOS, MIUI 13, MIUI 12 के साथ भी काम कर जाएगा। तो यहाँ पर इस थीम के साथ जो है UI के ऊपर चेंजेस देखने को मिलेगा। सर्वर के ऊपर चेंजेस देखने को मिलता है, बैटरी आइकॉन, नेटवर्क आइकॉन, म्यूट आइकॉन, ब्लूटूथ आइकॉन के साथ चेंजेस है, प्लस वेदर विजेट्स एंड क्लॉक विजेट्स के साथ भी चेंजेस देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पर काफ़ी बढ़िया वॉलपेपर देखने को मिल गया है, इवन आइकॉन के साथ भी काफ़ी सही चेंजेस है। यहाँ पर फाइल मैनेजर, नोट्स, कॉम्पस, रिकॉर्डर, क्लॉक, कैलेंडर, एफएम रेडियो, वेदर, गैलरी, कैलकुलेटर, थीम, डायलर, सभी आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलता है। कम्प्लीटली यूआई जो है पर चेंज हो गया है, देख सकते हो। यहाँ पर डायलर के साथ भी चेंजेस देखने को मिलता है, आइकॉन के साथ चेंजेस है, प्लस यहाँ पर जो मैसेजिंग एप्लीकेशन है, मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ भी कुछ इस तरह से चेंजेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ इस तरह से एनिमेशन को भी ऐड किया गया है। यहाँ पर जो क्विक सेटिंग्स पैनल है कम्प्लीटली चेंज हो गया है। क्विक सेटिंग्स पैनल के ऊपर जो आइकॉन के साथ चेंजेस है, जैसे कि वाईफाई आइकॉन और यहाँ पर म्यूट, टॉर्च, लॉक स्क्रीन, डार्क मोड, सभी आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलता है। यहाँ पर वॉल्यूम पैनल के साथ भी चेंजेस देखने को मिल गया है, कुछ इस तरह से वॉल्यूम पैनल देखने को मिलेगा। लॉक स्क्रीन की अगर बात करें, कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन के साथ एनिमेशन को ऐड किया गया है, जो कि काफ़ी सही है। यहाँ पर डेप्थ वॉलपेपर देखने को मिलेगा, प्लस कैमरा एंड फ्लैशलाइट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। सेटिंग्स की अगर बात करें, कुछ इस तरह से सेटिंग्स मेनू देखने को मिलेगा। सेटिंग्स मेनू के ऊपर जितने भी आइकॉन है सभी के साथ चेंजेस है, वाईफाई आइकॉन, ब्लूटूथ आइकॉन, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, साउंड, वाइब्रेशन, नोटिफिकेशन, सभी आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर MIUI 14 TRM MIUI U का जो अपडेट इंस्टॉल किया है, एंड इस रॉम का जो है डाउनलोड लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। एनीवे, यहाँ पर जो पुराना वाला जो कंट्रोल सेंटर है उसके साथ भी चेंजेस देखने को मिलता है, कुछ इस तरह से आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिल गया है। बात करते हैं पर जो है नेक्स्ट थीम के बारे में। थीम को अप्लाई करने के बाद फोन को एक बार जरूर से रीस्टार्ट करना जरूरी है। रीस्टार्ट करने से थीम जो है सभी प्लेस के ऊपर अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर इस थीम के साथ जो है कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्लॉक विजेट्स के साथ, कैलेंडर विजेट्स एंड वेदर विजेट्स के साथ चेंजेस देखने को मिलता है। आइकॉन के साथ भी चेंजेस है, जितने भी सिस्टम एप्लीकेशन के ऊपर आइकॉन है सभी के साथ जो है चेंजेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेटर, गैलरी, थीम, डायलर, रिकॉर्डर, वेदर, कैलेंडर, क्लॉक, नोट्स, फाइल मैनेजर, सभी आइकॉन के साथ चेंजेस देखने को मिलता है। कंट्रोल सेंटर की अगर बात करें, MIUI 11 के साथ कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलता है। बाकी डायलर की अगर बात करें तो डायलर के साथ हमने चेंजेस को नोटिस नहीं किया है। मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ भी हमने चेंजेस को नोटिस नहीं किया है। वॉल्यूम पैनल के साथ आइकॉन के ऊपर चेंजेस है, यहाँ पर देख सकते हो। म्यूट आइकॉन के साथ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल जाएगा। काफ़ी डिफरेंट वॉल्यूम पैनल के साथ यूआई देखने को मिलता है, आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिल गया है। यहाँ पर पावर बटन के ऊपर कोई भी चेंजेस को हमने नोटिस नहीं किया है। अगर बात करें लॉक स्क्रीन के बारे में, काफ़ी बढ़िया मिनिमल लॉक स्क्रीन यूआई देखने को मिलता है। अगर आपको मिनिमल लॉक स्क्रीन यूआई पसंद है तो ये जो थीम है आपको डेफिनेटली बढ़िया लगेगा। एनीवे, नेक्स्ट यहाँ पर सेटिंग्स मेनू के साथ जो कुछ इस तरह से यूआई है, बाय डिफॉल्ट यूआई है, एंड नया वाला कंट्रोल सेंटर के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलता है। देख सकते हो यहाँ पर जो आइकॉन है उसके साथ चेंजेस है, वाईफाई आइकॉन, ब्राइटनेस, वॉल्यूम पैनल, ब्लूटूथ आइकॉन, टॉर्च, म्यूट, यहाँ पर जो रीडिंग मोड है सभी आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं पर नेक्स्ट थीम के बारे में। सिंपली यहाँ पर जो नेक्स्ट थीम है इसे अप्लाई करते हैं। ये जो थीम है यहाँ पर अप्लाई हो गया है। वंस अगेन थीम को अप्लाई करने के बाद फोन को जरूर से रीस्टार्ट करो। तो यहाँ पर इस थीम के साथ जो है वॉलपेपर के साथ चेंजेस देखने को मिलेगा, प्लस सर्वर के साथ चेंजेस देखने को मिल गया है। पर बैटरी आइकॉन, म्यूट आइकॉन, प्लस नेटवर्क आइकॉन के साथ चेंजेस है। यहाँ पर विजेट्स के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा। डेट, टाइम एंड टेम्परेचर का ऑप्शन है। आइकॉन के साथ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल जाएगा। जितने भी
सिस्टम एप्लीकेशन है सभी के साथ जो है आइकन के ऊपर चेंजेस है। तो यहाँ पर आइकन देख सकते हो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर वेदर, कैलेंडर, कॉम्पस, रिकॉर्डर, स्कैनर, कैमरा, सेटिंग्स, डायलर सभी के साथ चेंजेस है। डायलर की अगर बात करें कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलता है, बाय डिफॉल्ट यूआई है। एंड मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ भी हमने चेंजेस को नोटिस नहीं किया है, बट यहाँ पर जो सेटिंग्स उनके साथ चेंजेस है, जो वाईफाई आइकॉन, ब्लूटूथ आइकॉन, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, साउंड, वाइब्रेशन, बैटरी आइकॉन के साथ चेंजेस देखने को मिलेगा। इवन कंट्रोल सेंटर के साथ भी चेंजेस है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आइकॉन के ऊपर चेंजेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर वाईफाई, ब्राइटनेस, वॉल्यूम पैनल, ब्लूटूथ, स्कैनर, लॉक स्क्रीन सभी आइकॉन के साथ चेंजेस है। एंड वॉल्यूम पैनल के साथ भी कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिल जाएगा। वॉल्यूम पैनल भी कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया है, जो कि काफ़ी सही है। बाकी यहाँ पर MIUI 11 कंट्रोल सेंटर के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा। जितने भी आइकॉन है सभी के साथ जो है यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल जाएगा। डार्क मोड, रीडिंग मोड, बैटरी, फ्लोटिंग विंडो, स्कैनर, लॉक स्क्रीन, टॉर्च, स्क्रीनशॉट सभी आइकॉन के साथ चेंजेस देखने को मिलता है। लॉक स्क्रीन की अगर बात करें कुछ इस तरह से यहाँ पर लॉक स्क्रीन UI देखने को मिल जाएगा। बाई डिफॉल्ट लॉक स्क्रीन UI देखने को मिल गया है इस थीम के साथ। नेक्स्ट ये जो थीम है, इस थीम को सिंपली यहाँ पर अप्लाई करते हैं। एंड थीम को अप्लाई करने के बाद फोन को एक बार जरूर से रीस्टार्ट करना। तो यहाँ पर इस थीम के साथ जो है स्टेटस बार के ऊपर चेंजेस है। यहाँ पर बैटरी आइकॉन, नेटवर्क आइकॉन, ब्लूटूथ आइकॉन के साथ चेंजेस है। बाकी जितने भी सिस्टम आइकॉन है सभी के साथ जो है कुछ इस तरह से UI देखने को मिलता है। काफ़ी डिफरेंट एंड काफ़ी यूनिक थीम यहाँ पर देखने को मिलता है, कुछ इस तरह से आइकॉन देखने को मिल गया है। बाकी यहाँ पर डायलर के साथ एंड मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ कुछ इस तरह से UI देखने को मिलते हैं। पर ब्लर का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। यहाँ पर MIUI 11 कंट्रोल सेंटर के साथ भी आइकॉन के ऊपर चेंजेस देखने को मिलेगा। जितने भी कंट्रोल सेंटर के ऊपर आइकॉन है सभी के साथ चेंजेस है। प्लस यहाँ पर जो वॉल्यूम पैनल है इसके साथ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलते हैं। कुछ इस तरह से वॉल्यूम पैनल के ऊपर आइकॉन के ऊपर चेंजेस है। ब्लर के साथ भी चेंजेस देखने को मिल गया है। एंड सेटिंग्स मेनू भी कम्प्लीटली चेंज हो गया है। सेटिंग्स मेनू के ऊपर जितने भी आइकॉन है सभी के साथ जो है पर चेंजेस देखने को मिलता है। एंड नया वाला कंट्रोल सेंटर के साथ भी कुछ इस तरह से आइकॉन के साथ चेंजेस देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर लॉक स्क्रीन की अगर बात करें कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन UI देखने को मिल जाएगा। काफ़ी बढ़िया मिनिमल लॉक स्क्रीन UI देखने को मिलता है इस थीम के साथ। बात कर लेते हैं पर जो है नेक्स्ट थीम के बारे में। तो यहाँ पर ये जो थीम है, इस थीम को हमने सिंपली यहाँ पर अप्लाई किया है। एंड इस थीम के साथ जो है कुछ इस तरह से UI देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिल जाएगा। काफ़ी डिफरेंट आइकॉन देखने को मिलेगा। यहाँ पर कंट्रोल सेंटर के साथ कुछ इस तरह से UI है। डायलर के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ चेंजेस है। सेटिंग्स होने के साथ भी चेंजेस देखने को मिल जाएगा। जितने भी आइकॉन है सभी के साथ चेंजेस देखने को मिलते हैं। प्लस वॉल्यूम पैनल के ऊपर कुछ इस तरह से UI है। एंड यहाँ पर सभी थीम का जो है डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। प्लस MIUI 11 कंट्रोल सेंटर के साथ भी कुछ इस तरह से UI देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली सभी थीम को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।